टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन ऑफ चैप्टर सिक्स ऑफ द क्लास टेंथ ठीक है देखिए हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था इसके अंदर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग किस तरीके से होता है हमने पूरे प्रोसेस की बात की थी अभी हम रेस्पाइरेशन देखने वाले हैं सो so, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफली uh, डिटेल है कह सकते हैं कि डेमो है देखिए कि रेस्पाइरेशन एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होता है तो आप इसमें ईजिली देख सकते हैं ये देखिए ये वाला जो ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ नोस्ट्रिया नोस्ट्रियल है ये यह, यहाँ से ये पीछे की तरफ फूड पाइप है और ये आगे वाला जो हिस्सा है ये क्या है विंड पाइप है इसको ट्रैकिया बोलते हैं ये ट्रैकिया क्या है आगे की तरफ यहाँ आकर टू पार्ट्स में जिसको बोला जाता है ब्रोंकियो ब्रोंकियाए है बोलते हैं और ब्रोंकियाए आगे ब्रॉक्योल्स में डिवाइडेड हो जाता है इस तरीके से ये ईजिली देखा जा सकता है इसके अंदर ये क्या कर रहा है यहाँ से नोज़ के थ्रू एयर को अंदर ले रहा है और देखिए ट्रैकिया की हेल्प से ये किस तरीके से ये पंपिंग आपको दिख रही है ना ये पंपिंग ईजली क्या है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हो रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे से एल्वोलाइज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज का काम करती है और कुछ कैपिलरीज़ होती हैं जो कि क्या कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से बाहर भेज रही हैं और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेकर आ रही हैं ठीक है तो ये प्रोसेस इसके अंदर ईज़िली आप देख सकते हैं और इसको डिटेल में हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट